लफाफा सियासत क्या होती है? सहाफत होती है। हाँ अच्छा। इसका मतलब ये होता है कि एक आप नहीं ना कहना चाह रहे, एक पैकेट होता है उसके अंदर पैसे भर के। हाँ। ये कॉन्सेप्ट ये है कि वो सहाफियों को दिए जाते हैं। इज इट ट्रू? ये है इसका? अच्छा, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो मैंने खुद कभी कोई ऑफर आई से ऑफर आई कभी? हाँ, मुझे वर्ल्ड टूर ऑफर आया 2009 में एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। मैंने सॉरी किया उनको बड़ी मुश्किल से। अच्छा, घर वालों और दोस्त आपकी किस आदत से बहुत तंग रहते हैं सर? उनको मेरे मूड का किसी को भी पता नहीं चलता। वाह, ये तो ज़हीन आदमी की निशानी। एज यू हैव इंटरव्यूड सो मैनी पीपल और आपके प्रोग्राम में शायद ही कोई ऐसा सियासतदान हो जो ना आया हो, पसंदीदा सियासतदान कोई है आपका? कमरुज़्ज़मान काहरा। और उसकी वजह? इज अ वेरी गुड पॉलिटिकल। हाँ, इज वेरी गुड। कोई आदत या खूबी जो आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानियों में ही पाई जाती है? खुले दिल के हैं सर। सर, इन सियासतदानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद साहब, आखिरी बारी। यानी शेख साहब को अरेस्ट करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब, ये एमर्ज कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, सबर कर, गुस्सा। फिरदौस आशिक अबान साहब, अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट। शबाज गिल साहब, बहुत इंटेलिजेंट है। रियली? यस। मेरे एंकरों के लिए क्या मशवरा देंगे सर? मुबशर लुकमान साहब, गुड लक। गुड लक। समी इब्राहिम साहब, फिर गुड लक। साबिर शाकिर साहब, वेल डन। अच्छा, हामिद मीर साहब, कीप इट अप, कीप इट अप। शाहजेब खानजादा साहब, गुड वर्क। जावेद चौधरी साहब, बड़े भाई, बड़े भाई। गरीदा फारूकी साहिबा, सबर 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 जो नहीं होता। सलीम साफी साहब, नो कमेंट, नो कमेंट। इमरान खान साहब के लिए कोई बात या कोई मशवरा? मुज़दार साहब के बारे में सोचते रहा करें। खान साहब, अब तो इतनी एनजीओज इस चीज के अगेंस्ट काम कर रही हैं, आपको किसी ने रजू नहीं किया कि शिकार खेलना? दुनिया के जो सबसे अच्छे कंजर्वेटर है ना, वो हंटर है। मैं हर साल जितने जानवर मारता नहीं उससे ज्यादा छोड़ता हूँ। पाल के आप चल के मेरे साथ देखें, हमने छोटा सा एक ब्रीडिंग फार्म बनाया हुआ है। अच्छा, वाह वाह वाह। वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्रिजेस, वहाँ पे बहुत सारे डक्स, बहुत सारे और नस्ल के जानवर, इवन हिरन, हम लोग वो उनकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, वहाँ पे लगातार बढ़ती है। एक्चुअली शिकार करने से जानवर खत्म नहीं होता और ना शरीयत में इसका मना है। अच्छा, जानवर खत्म होता है पोचिंग से। शिकारी तो बदनाम है बिला वजह। कौन सा जानवर आसानी से काबू में आ जाता है आपके? सर, जिसको मैं करना चाहता हूँ। आज खान साहब के साथ ना बिटवीन द लाइंस गुफ्तगू होनी है, ना लाइन के ऊपर ना लाइन के नीचे। बस आप तैयारी पकड़ो। उसमें सर वो मेरे ऊपर, इन्होंने कोई 20-25 शिकारियों ने मिलकर शिकार खेला, सारा शिकार इकट्ठा किया, एक फोटो बना के डाल दी, वो किसी ने मेरे खाते डाल दिया, इसने अकेले ने मारे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद शिकारी है। हाँ जी, इमरान खान। तो वो हंसना शुरू हो गए इस बात पर। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार मैंने सारी जिंदगी शिकार खेला है। उनको खुद आइडिया हो गया कि इतने तो को मार नहीं सकता। वो पोचिंग में हमेशा होती है ज्यादती। ओके, जो लोग पकड़ने वाले, कैप्चर करने वाले। ओके, हाथी जितने खत्म हुए हैं वो अपने दांतों के लिए खत्म हुए हैं, शिकार के लिए नहीं हुए। नहीं हुए। और शिकार की कुछ शरायत है, उतना मारे जितना आपने खाना है। और तकलीफ दे के आपने नहीं मारना, मार के आपने छोड़ नहीं देना, जाया नहीं करना। और जिसको आपने खाना नहीं है उसको फिर मारना भी नहीं है। ये शरायत है, ये शरायत शरीयत के अंदर है। वाह वाह। इससे बात ये जाहिर होती है, मैं अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि खान साहब ना सिर्फ एक एंकर पर्सन है, ये शिकारी भी बहुत अच्छे हैं। सो इनसे जरा बच के रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आई नो यू आर वेरी बिजी बिकॉज साइमल्टेनियसली आप 2-3 जगह काम कर रहे हैं आज। आपने बुलाया, मैं हाजिर सर। अरे बुलाने के लिए। इन लोगों से तो आप वाकिफ ही होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। हनी भैया को तो आप जानते हैं? नहीं, उन दोनों को भी जानते हैं। अच्छा, उनको भी जानते अच्छी तरह। अच्छा, इनके साथ कैसे इत्तेफाक हुआ मुलाकात का? मैं अच्छी तरह जानता हूँ इनको, ये जानते हैं नहीं जानते? नहीं नहीं, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने सारे कपड़े हिफाजत से रखे, अपनी सफाई सुथराई रखी, और सबसे पहले कोरोना इन्हीं को हुआ। आपने शो में कहा नहीं? हमने बड़ी एहतियात की थी, बहुत ज्यादा। उस दिन मुझे लगा कि ये सबको हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैं उज़्मी भैया की इस बात से काफी अग्री करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोग कॉन्शियस देखे जो दस्ताने भी पहनते थे, जो मास्क भी पहन, जिन्होंने प्लास्टिक दिए शीटा भी डाले हैं। एंड बिलीव यू मी, उनको सबसे पहले होगा। लॉकडाउन में ये चीज अच्छी हो गई सर, आप मानेंगे इस बात को कि बीवियों ने ये कहना छोड़ दिया कि आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते। ये जुमला खत्म हो गया हमारी सोसाइटी में। हाँ जी, ये हो गया। ये घर में भी ये है, लेकिन क्योंकि आप तो यूट्यूब का सारा चैनल घर से ही चलाते हैं, तो आपको तो घर के बिल्कुल
सामने ही मैंने वो एक छोटा सा ऑफिस बनाया, ऑफिस बनाया हुआ। यहाँ से छलांग मारता हूँ उधर चला जाता हूँ, वहां से फिर वापस इधर आ। तो ऑफिस आपने घर में क्यों नहीं बनाया, उसमें कोई खास बात है कि जो बच्चे हैं सर घर में? अच्छा बिल्कुल आप लोगों की तरह जो है वो फिर जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं ना गलत वीडियोस भी आए हैं उनके वो लगा ही होता है पीछे कुछ और हो रहा होता है। तो वैसे ही आजकल वीडियोस लीक हो रही हैं तो वर्क फ्रॉम होम से। हाँ वर्क फ्रॉम होम से बहुत ज्यादा। वो मेरे दोस्त हैं काशिफ अब्बासी साहब, उनका बेटा एक दिन वो उनको लगा शायद प्रोग्राम खत्म हो गया, उसने छोड़ दिया जिसने पकड़ा हुआ था। अच्छा वो सीधा सेट पे चला गया प्रोग्राम खत्म होने से। एक दिन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरा बेटा आगे सामने, मैं करूंगा बाकी। दूसरी बात मुनीब साहब का भी आ गया सी ना प्रोग्राम दे वे, जो ना दे बच्चे ने पिछों ही आवाज दे देते सी बाबा खाना खा ले। अब तो इतनी वीडियोस लीक हो रही हैं कि मोबाइल की दुकान पे जाके कहना पड़ता भाई मुझे वो मोबाइल दो जिसकी वीडियो लीक ना हो। अली हाउ थिंग्स आर गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। कैसी है मसरूफियत? बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे बुलाया, मेरे उस्ताद ने मुझे बुलाया। यार ऑप्शन कोई नहीं सी साडे को। मेहमान वो गए था। ये तो अच्छा हो गया ना, ये तो अच्छा हो गया। नो वी ऑलवेज वांटेड द यंगस्टर्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में कराची से एक यंगस्टर आया हुआ था खान साहब, वो उधर एक एनजीओ चला रहा है आदिल हसन, और वो भूखे लोगों को खाना खिलाता है, और उसने वो सारी स्टोरी सुनाई। फिर एक बच्ची हमने बुलाई, शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, हादिया हाशमी, ऑसम सिंगर। सो ये बच्चे भी हमारा मकसद ये होता है प्रोग्राम का कि ऐसे वो तमाम लोग जो जिंदगी में बच्चे स्पेशली जिनके कुछ टारगेट्स हैं जिंदगी में एंड दे वांट टू अचीव इट, व्हाई नॉट लेट्स शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। देखिए नुमान भाई, मैंने यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं मार्केट में, रोजाना हम देखते हैं, अब सोशल मीडिया के ऊपर भी आते हैं और हैमर करते हैं, पता चलता है उनके पीछे टीम्स काम कर रही हैं। तीन चार माह हुए, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ आपको यहाँ पे प्रोग्राम करते हुए। मैंने दो तीन चीजें नोट की हैं इसमें, मैं फीडबैक देना चाहता हूँ आप इजाजत दें तो। सर उसमें नेकी और फीडबैक दें और मैंने कैश भी दें। मैंने ये वो मैं आपको अलग से दूंगा सर, ये अलग वाली कहानी लीक हो जाएगी फिर हम मोबाइल पे आएंगे। मैंने ये महसूस किया है कि वो मोनोटोनस जो थी मुझे एक लॉक लग गया था, जमूत तारी हो गया था, अब उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाह। और यहाँ पे वो नहीं हो रहा जो बहुत सारी और जगहों पे हो रहा है, इस तरह के बच्चों को लाना, उनको इनकरेज करना और बाकियों को ये वजह देना कि तुम भी ऐसा काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिलसिला रुक गया पाकिस्तान में, रुक गया सिलसिला। तो आप तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहे हैं, मेरे पास ये आते हैं नौजवान बहुत सारे, इनसे इंटरेक्शन मेरा शौक है, बच्चों के साथ कहीं भी जाऊं मैं यूथ से मिलता हूं, और शिकार खेलने की वजह से फिर वो पूरा पाकिस्तान भी घूमता हूं, वहां भी मुलाकातें रहती हैं। किस तरह का शिकार करते हैं सर आप? भाई वो उस तरह यानी वो शिकार जिससे शर्मिंदगी ना हो। अच्छा ये शिकारी सुबह सुबह क्यों निकलते हैं शिकार पे, इसकी क्या वजह है? क्या मैं परिंदे सोए हुए? आसान वजह बता, आप जिसके साथ शिकार खेलने जा रहे हो तो उसका टाइम टेबल है, हमने खराब कर लिया अपना, उसने नहीं किया। खान साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव बोथ ऑफ यू। सच एक ऐसी चीज है जिसको अपने हाथ से जाने नहीं देना, सच बोलते जाइए, लोगों को दुश्मन बनाते जाइए, अपना खास ख्याल रखिए। जीत सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।